हेलो, आई एम तबरेज़ अख्तर। दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लॉ, ईटीसी इन द फील्ड। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये एक चैप्टर है जिसमें हम क्रॉप के बारे में और उसके प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। पहली और बूझो की बात हो रही है। ये बच्चे शुरू से हमारे साथ हैं, क्लास सिक्स्थ के साथ ही ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे, है ना। तो अब ये जा रहे हैं अपने अंकल के घर पे। जो अंकल जो इनके वो फार्मर हैं, वो एक किसान हैं, और किसान क्या करता है, खेती करता है। और उनके घर में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवल, ये सारी चीज़ें देखी। और खुरपी, सिकल, शॉवल वगैरह हो सकता है आप सबके घर पे हो। यू हैव लर्न डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट कैन मेक देयर ओन देमसेल्फ। एंड कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? एनिमल्स इंक्लूडिंग एनिमल्स नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो अगर फूड की बात करें तो प्लांट जो है तो वो अपना खुद ही खाना बनाते हैं, ये हमें पता है। और हम यानी ह्यूमन जो है वो डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर, और डिपेंड करते हैं एनिमल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो ये अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कि ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। और ये प्रोसेस जो होती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, अब यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब जो एनर्जी मिलती है फूड से, वो हमारे बहुत सारे काम में आती है। बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि ऑपरेट होते रहते हैं, जैसे कि आपका डाइजेशन होता है यहाँ पे पेट में आपके। ठीक है, फिर उसके बाद आपके बहुत सारे अंदर के ऑर्गेनिज्म हैं जो काम करते हैं, जो चलते हैं, और उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो कि एनर्जी हमें फूड से मिलती है। तो बहुत सारे फंक्शन जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ये सारे फंक्शन एनर्जी से ही होते हैं। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अब सबको खाना चाहिए, तो बात समझ में आ गई। फूड इज़ नेसेसरी फॉर ऑल। फूड जो है वो सबके लिए ज़रूरी है। अब सबके लिए ज़रूरी है तो सबको चाहिए, तो कोई एक इंसान फूड प्रोडक्शन यानी क्रॉप प्रोडक्शन करेगा तो क्या सबको हो जाएगा? नहीं। तो इसलिए सारे बहुत सारे लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वांटिटी में क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, तो फिर उसका मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि हम उसको बचा के रखें, उसको स्टोर करके रखें और उसको लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसकी एक प्रॉपर मैनेजिंग होती है, तब जाके हम हमारे घर तक क्या आता है, हमारे घर तक गेहूं आता है, वीट आता है, डैट मीन्स राइस आता है हमारे घर तक। ठीक, हमारे घर तक बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से आती हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है या एक पूरा मैनेजमेंट है, जिसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड दीज कैन बी क्लासीफाइड इन टू बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। ठीक है, तो हम क्रॉप्स को, फसलों को, ठीक है, फसलों को हम कुछ
कितने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, उनको सीज़न के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और सीज़न क्या होता है भाई, एक समर सीज़न होता है, एक विंटर सीज़न होता है, एक रेनी सीज़न होता है, ठीक है, मानसून जिसको कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप को भी डिवाइड कर देते हैं। और क्रॉप को कैसे डिवाइड कर देते हैं, ऐसी क्रॉप जो हमें ठंड में मिल रही है या जिसको हम ठंड में ग्रो करा रहे हैं तो उसको हम कुछ और नाम देंगे, और जो समर में आ रही है, जो रेनी सीज़न में आ रही है, उनका कुछ और नाम। तो इस तरीके से सीज़न वाइज हम डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। और इस तरीके से सीज़न वाइज डिवाइड करने के लिए हमने दो टाइप से डिवाइड किया है क्रॉप्स को, एंड दीज टू नेम्स आर वेरी ओल्ड एंड वेरी नोन टू यू। ये दोनों नाम आप पहले से जानते हैं, फर्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड इज़ रबी क्रॉप, ठीक है। एंड वी हैव बिन लिसनिंग दीज नेम्स फ्रॉम सिंस क्लास फिफ्थ, और क्लास फिफ्थ से ये सारे नाम आप सुनते आ रहे हैं। खरीफ क्रॉप का क्या मतलब होता है, तो द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। जिनको हम रेनी सीजन में बोते हैं वो कहलाती हैं खरीफ क्रॉप। द सी रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, ठीक है। तो फिर से सुनिए, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, ठीक है। नाम क्या, खरीफ, क्या नाम, खरीफ, ठीक है। कब ग्रो कराते हैं हम, कब सो करते हैं, कब उगाते हैं ज़मीन में, जब बारिश होती है, यानी बारिश के टाइम, ठीक है। तो आप खरीफ को बारिश से जोड़ दीजिए, मानसून से जोड़ दीजिए। तो खरीफ मतलब मानसून के टाइम पे बोने वाली। एग्जांपल, पैडी हो गया, मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये सारे हो गए, कॉटन हो गया। अब रबी की बात करें, रबी, ठीक है, रबी का मतलब द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप, ठीक है। ठीक है, तो खरीफ के बाद रबी आएगा, है ना। तो पहले नंबर में मैंने खरीफ लिखा, और खरीफ पहले नंबर में इसलिए लिखा क्योंकि पहले बारिश का मौसम आता है, और बारिश के बाद दूसरा मौसम कौन सा होता है, ठंड का मौसम, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सेकंड नंबर पे रबी लिखा है। तो रबी यानी ठंड का मौसम, और ठंड के मौसम में आपको मिल रही है रबी क्रॉप, यानी ठंड के मौसम में जो ग्रो करा रहे हैं हम, रबी क्रॉप करा रहे हैं। एग्जांपल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड, ठीक है। बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे पल्सेस और वेजिटेबल्स समर सीजन में ग्रो कराया जाता है, ठीक है। इनके अलावा अब कुछ बातें ये भी हैं, जैसे कि पल्स और वेजिटेबल समर में ग्रो करा देते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। आप अगर किसी के घर में खेत हो, या किसी के आसपास खेत हो, या कोई फार्मर हो किसी के घर में, या किसी फार्मर से कांटेक्ट हो, तो उनसे आप जाके कुछ बेसिक चीज़ों को पता लगा सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो बिफोर ग्रोइंग एनी सीड वी मस्ट नो अबाउट दीज सेवन पॉइंट। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हमें फसल उगाने के लिए, है ना, टू प्रोड्यूस क्रॉप वी मस्ट प्रिपेयर अवर सॉइल। जो सॉइल, जो ज़मीन है, उसको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी ज़मीन में
जाके उगाना शुरू कर दो, बीज को फेंक दो और वो अपने आप उग जाए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ज़मीन को उपजाऊ यानी ज़मीन को बीज को उगाने लायक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट वाली चीज़ हो गई, फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, सेकंड जो हो गया सोइंग। दूसरे नंबर पे क्या करना है, सोइंग। सोइंग यानी बोना, कैसे बोना है उसका भी एक तरीका होता है। थर्ड नंबर में क्या है हम देखेंगे, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र एडिंग, यानी अब उसके बाद फर्टिलाइज़र और मैन्यूर यानी खाद वगैरह को कैसे ऐड करना है, कब ऐड करना है, कितना क्या ऐड करना है, ये चीज़। फोर्थ नंबर पे इरिगेशन यानी सिंचाई, पानी कब डालना है, कैसे डालना है, ये चीज़। फिर फिफ्थ नंबर पे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स से बचाओ। वीड्स क्या होता है, वीड्स हमारे खेतों में अपने आप जो पेड़ पौधे उग जाते हैं, जिसको हम जंगली पेड़ पौधे कहते हैं या जंगली घास वगैरह कहते हैं, इनको वीड कहते हैं। तो इस वीड से हमारे खेतों को बचाना, ये भी हमारे इस ऑपरेशन में इंक्लूडेड है। एंड नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है भाई, फसल काटना कैसे है, किस तरीके से काटना है, ये हमारा ऑपरेशन। एंड द लास्ट इज स्टोरेज, काटने के बाद हमारी फसल को कैसे और कहाँ रखना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पे हम ध्यान देते हैं, 1 पॉइंट ही प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल जो है, हमारे पास ज़मीन तो है, ज़मीन को सबसे पहले क्या करना होता है, एक तो पहली चीज़ उस ज़मीन में कंकड़ पत्थर बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, उस ज़मीन को हमें टर्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है, यानी थोड़ा थोड़ा खोदना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, ठीक है। तो सॉइल को टर्न करना पड़ता है और उसको लूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर मिट्टी लूज़ नहीं होगी तो हम उसमें बीज नहीं डालेंगे, बीज नहीं डाल पाएंगे। मान लीजिए बीज डाल भी दिए तो बीज उगेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं उगेगा, लूज़ करने का क्या होता है तरीका, और क्यों लूज़ किया जाता है भाई। लूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ज़मीन में जो मिट्टी है उसमें एयर पास हो सके, एयर पास हो सके, उसको हवा मिल सके, ठीक है। उसके साथ साथ जो है, तो कुछ हमारे ऑर्गेनिज़म होते हैं जो टर्न करने में, सॉइल टर्न करने में काम आते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, केचुए। केचुए भी सॉइल को टर्न करने में काम आते हैं, जो ज़मीन में मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा सॉइल को टर्न करना ज़रूरी है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशंस इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इन टू द सॉइल, दीज न्यूट्रिशंस आर अगेन अब्जॉर्ब बाय प्लांट। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स वाटर एंड, तो हमें ये भी पता है कि सॉइल के अंदर ऐसा नहीं मिट्टी सिर्फ मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मिट्टी के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर भी होता है और एयर भी होती है, ठीक है। अब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन इन डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक। तो जब मिट्टी के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे टूट के, पत्तियां टूट के जो मिट्टी में मिल गई, या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मिट्टी में मिक्स हो गए, या डेड एनिमल मिट्टी में मिक्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद ये जो है, उसके अंदर मिक्स होने के बाद इसकी जो है तो कैपेसिटी और इसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं, यानी इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिट्टी को टर्न करने की बात की, और टर्न कैसे करते हैं ये भी आपको मैं भी दिखा देता हूँ, ठीक है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, ठीक है।
तो टिलिंग कहा जाता है किसको, आप मिट्टी को टर्न करना यानी खोदना थोड़ा थोड़ा, है ना, या खेत जोतना भी कहते हैं शायद। दिस इज़ डन यूजिंग द प्लाव। तो प्लाव का यूज़ करके आप मिट्टी को जोतते हैं, जिसको हम हल भी कहते हैं, ठीक है। शायद ये देखो आपको दिखाया गया है इस पिक्चर में कि दो ब्लॉक हैं जो इस लकड़ी के प्लो को घसीट रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी टर्न हो रही है, सॉइल टर्न हो रही है। तो ये पुराने ज़माने का सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम जानवरों का यूज़ करते थे, एनिमल्स का। एंड समटाइम्स मैन्यूअर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूअर विद द सॉइल, एंड सॉइल इज़ मॉइस्ट सेंट बिफोर सोइंग। तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो ज़मीन को या आपकी सॉइल को टर्न करने से पहले उसमें मैन्यूअर यानी खाद ऐड कर देते हैं, ताकि जब उसको जोते तो वो खाद अच्छी तरीके से मिट्टी में मिक्स हो जाए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की बात करूं तो दीज इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ठीक है। सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड नेसेसरी टू ब्रेक। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जब ज़मीन में हल चलाते हैं तो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े निकलते हैं बाहर, ठीक है। अब इन मिट्टी के टुकड़ों को हमें फोड़ना ज़रूरी है, ठीक है, इनको क्रश करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इनको क्रश करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लव, हो एंड कल्टीवेटर। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम हो, कल्टीवेटर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम। अब ये प्लो की बात कर रहे हैं, जो कि जिसको हम हल कहते हैं, जो बहुत ही पुराने समय से यूज़ हो रहा है, पहले जानवरों के साथ लगाया जाता था। देयर इज़ हैंडल एट वन एंड एंड द अ शाफ्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हैंडल होता है, शाफ्ट होता है, ये देखो ये शाफ्ट होता है, इसको शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। और हैंडल भी होता है जिसकी वजह से हम उसको चारों दो, दो दूसरी तरफ एक दूसरी तरफ घुमाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हो की तरफ। हो क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग सॉइल। तो वीड्स को रिमूव करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसको हो कहते हैं, और सॉइल को लूज़ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो हो की डिज़ाइन कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेट लगी होती है, बेंट प्लेट, ठीक है, ये आपकी ग्रिप है, इसको पकड़ा जाता है, ठीक है। ये आपकी बीम है, ये रॉड है, ये हैंडल है, ठीक है। अब इसको किसी के साथ बांध के इसको खींचा जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी ज़मीन में जो वीड्स वगैरह हैं, जो जंगली पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, वो सारी उखड़ जाती हैं, ठीक है। कल्टीवेटर की बात करें, नाउ डेज प्लाइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। तो अब इस ज़माने में हम ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और यही आपको, इसको हम कल्टीवेटर कहते हैं। इसके पीछे देखिए एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसकी वजह से हम सारी टर्निंग ऑफ सॉइल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सोइंग की तरफ। सोइंग मतलब बोना। तो बोने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ ध्यान में रखना होता है कि हमें किस टाइप का बीज, किस टाइप के बीज का सिलेक्शन करना है,
ठीक है, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। तो अच्छे टाइप के बीज को हमें लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे पता चलता है? अगर आप बीज को लिए हैं और बीज को एक तरीका ये होता है, पानी में डाला आपने, बीज को पानी में डाल दिया, तो कुछ बीज जो हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे, कुछ बीज पानी में तैरने लगेंगे। तो आप बताइए कौन सा बीज अच्छा है, जो नीचे चला गया या ऊपर तैर रहा है? तो जो ऊपर तैर रहा है वो बीज अच्छा नहीं होगा, और जो नीचे डूब गया है वही बीज अच्छे होंगे, क्योंकि जो ऊपर तैर रहे हैं वो बीज एक्चुअली में क्या है, खोखले हो चुके हैं। ठीक है, इसीलिए वो तैर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मेथड होती हैं जिससे हम अच्छे बीजों का सिलेक्शन करते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स की बात करें तो सोइंग के लिए यानी बीज को बोने के लिए कुछ ज़माने में पहले क्या यूज़ होता था, हम देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप का इक्विपमेंट यूज़ किया जाता था, जिसमें ये आपके ब्लॉक जो हैं एक वुडन को लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें पीछे क्या लगा हुआ है, एक फ़नल लगाया गया है। ठीक है, और ये फ़नल से हम बीज डालते हैं और ये बीज नीचे जाता है और आपकी मिट्टी में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये ब्लॉक आगे बढ़ता है और पीछे से हम बीज डालते जाते हैं। इस तरीके से हम पुराने ज़माने में सोइंग करते थे। अब क्या यूज़ होता है, सीड ड्रिल यूज़ होता है। ये देखो, ये सीड ड्रिल है, इसमें क्या हो रहा है, नीचे इसके इतने सारे क्या लगे हुए हैं, इसके क्लॉज टाइप के लगे हुए हैं, यानी इस में हुक टाइप का है ये, जो मिट्टी को उभारता जाता है, और यहाँ पे एक फनल लगा हुआ है जहाँ से बीज गिरता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीड ड्रिल का तरीका ये होता है। ठीक है, और इसे हम किसी मशीन के साथ फिट कर देते हैं, तो ये अपने आप बीज बोते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीड ड्रिल की बात कर दिए, अब आगे देखते हैं क्या है, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र और मैन्यूर को कैसे ऐड करना है? ठीक है, तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स और हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर और न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स। मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें हमें अलग से ऐड करनी पड़ती हैं ताकि मिट्टी की ताकत बढ़ाई जा सके, और मिट्टी की ताकत अगर बढ़ती है तो हमने जो पेड़ पौधे उगाए हैं, जो क्रॉप हम उगा रखे हैं, वो क्रॉप भी अच्छी होती है और हमारी फसल अच्छी होती है, इसका मतलब हमें फ़ायदा होता है। तो मैन्यूर और फर्टिलाइज़र ऐड करना एक तरह से कभी कभी ज़रूरी होता है, जब हमारी मिट्टी की क्वालिटी कम हो जाती है या मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम होते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए हमें मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को ऐड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सॉइल जो है, तो सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पेड़ पौधों को ज़रूरत होती है, और पेड़ पौधे उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और लेते लेते क्या होता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से हम जब एक बार उसमें फसल अपनी उगाते हैं तो वो अच्छी उगती है, फिर बाद में फिर उगाते हैं तो फिर उगती है, फिर उसके बाद वैसे ही करके उगाते जाते हैं, तो हमारी फसल अब अच्छी नहीं उगती। क्यों नहीं उगती? क्योंकि उसके अंदर जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो कम होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमें टाइम टाइम पे
फर्टिलाइज़र का ऐड करते रहना चाहिए और मैन्योर वगैरह को ऐड करते रहना चाहिए। और मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया है जिसमें 3 ग्लास लेने हैं, ए बी सी, तीनों में मिट्टी डालनी है और उसके बाद क्या करना है, ग्लास ए ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद लिटिल काउ डंग। तो पहले वाले ग्लास में, ग्लास ए में मिट्टी के साथ काउ डंग ऐड करना है, ग्लास बी में यूरिया ऐड करना है एंड द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। ग्लास सी में कुछ भी नहीं ऐड करना है। और फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि कुछ दिन बाद आपको क्या ग्रोथ मिल रही है। तो आप देखो कि ग्लास बी में जो हमारी फसल है वो थोड़ी अच्छी दिख रही है, ए में थोड़ी कम है और सी में तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो इससे पता चला कि फर्टिलाइज़र वगैरह क्यों ज़रूरी होते हैं, और फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ये असल में केमिकल होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं यानी ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको, जिनकी ज़रूरत होती है सॉइल को, ठीक है। कुछ फर्टिलाइज़र्स के नाम बता रहा हूँ, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट, पोटास, ठीक है। एनपीके, यानी एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये आपके फर्टिलाइज़र हैं और आपको इनके नेम हो सकता है पता हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, द यूज़ ऑफ मैन्यूअर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ा देता है कौन, मैन्यूअर। अब मैन्यूअर की बात कर रहे हैं, मैन्यूअर मतलब कह सकते हैं कि खाद, जनरली खाद। और खाद जो होती है वो आपको पता है काऊ डंग वगैरह और डेड एनिमल वगैरह या डेड प्लांट्स से बनाई जाती है, ठीक है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट्स इन इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। तो एक और तरीका है ताकि मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बनाई जा मतलब उसको सही रख सकें, उसका तरीका ये है कि आप अलग अलग क्रॉप को अपने उस ज़मीन में उगाइए, पहले कुछ उगाइए, फिर दूसरे टाइम पे कुछ और उगाइए, फिर तीसरे टाइम पे कुछ और, ठीक है। इस तरीके से इसकी हम जो ताकत है मिट्टी की वो बचाए रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूअर। फर्टिलाइज़र और मैन्यूअर क्या होता है, डिफरेंस इसमें क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिफरेंस हमारे पास यहाँ बताया गया है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, यानी फर्टिलाइज़र जो होता है वो मैन मेड यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया होता है, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। क्या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब, इनऑर्गेनिक का मतलब जो हमें पेड़ पौधों से नहीं मिल रहा है वो इनऑर्गेनिक कहलाता है। अब मैन्यूअर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो मैन्यूअर जो होता है नेचुरल सब्सटेंस, ये हमारा नेचुरल होता है, ये होता है मैन मेड, ठीक है। कैसे बनता है मैन्यूअर, डिकम्पोजिशन से बनता है, किसके, काऊ डंग और प्लांट वगैरह के डिकम्पोजिशन से, ठीक है। उसको ज़मीन में हम गाड़ देते हैं और कुछ दिन बाद वो मिट्टी में मिक्स होके खाद बन जाता है, ठीक है।
फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है और ये आपकी फील्ड में बनाया जाता है। डज़ नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, एनी ह्यूमस टू द सॉइल, तो इससे सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं होता और इससे सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, है ना। तो फर्टिलाइजर्स का मेन काम है न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की फर्टिलाइज़र और मैन्यूअर के बारे में, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ मैन्यूअर, मैन्यूअर का एडवांटेज क्या होता है, मैन्यूअर का एडवांटेज की बात करें तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, ठीक है, और मिट्टी को पोरस बनाता है जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर गैस पास होती है, माइक्रोब्स को बढ़ाता है, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं उसको बढ़ाता है, जैसे कि केचुए हो गया और इसके जैसे और माइक ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव करता है, यानी सॉइल को छूने में वो और ज़्यादा सॉफ्ट समझ में आए या फिर और दिखने में और अच्छी समझ में आए, तो उसका टेक्सचर सही कर देता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एडवांटेज मैन्यूअर की। अब इरिगेशन की अगर हम बात करें तो इरिगेशन क्या होता है, यानी सिंचाई करना, ठीक है, पानी डालना, ठीक। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो ऑब्जर्व प्लांट कंटेंट्स नियरली 90% वाटर, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में अप्रोक्सीमेटली 90% पानी होता है, वो पानी कंटेन किया होता है, ठीक है, और ये पानी की ज़रूरत उनको होती है फूड प्रिपेयर करने में, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो इसी के साथ प्लांट में जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स, तो पानी जो है फसल को बचा के रखता है ठंड में जो ओले वगैरह पड़ते हैं उससे, और गर्मी की जो हवाएं होती है उससे भी, ठीक है। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप, अच्छा अब यहाँ पे आप याद रखिए क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम तो पानी डालते हैं मिट्टी को और मिट्टी गीली हो जाती है, और जो जड़ें होती हैं मिट्टी में वो पानी को सोखती हैं, ठीक है, और उसके बाद उन जड़ों के थ्रू पानी ऊपर जाता है और पूरे प्लांट को मिलता है, ठीक है। और स्टेम होती हैं, तो स्टेम में छोटी छोटी पाइप होती हैं जिनको वेन्स कहते हैं, उसके थ्रू पानी ट्रांसपोर्ट होता है और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इरिगेशन जो है उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स होती हैं, उन सारी मेथड्स को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और सोर्स ऑफ इरिगेशन की अगर मैं बात करूं तो सोर्स ऑफ इरिगेशन यानी पानी कहाँ से मिलता है, कुएं से मिलता है, तालाब से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है, लेक से मिलता है, रिवर से मिलता है, बोरवेल से मिलता है, डैम से मिलता है, कैनाल से मिलता है, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे खेतों में पानी आता है, और इनकी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।